हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड होम स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है, इच ऑफ द कैपेसिटर शोन इन फिगर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेरड। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सपोज अ बैटरी ऑफ EMF 60 volt is connected between A and B. Find the potential difference appearing on the individual capacitor. Okay, तो इस question को समझते हैं। देखो क्या है कि ये capacitor का एक arrangement दिया गया है और हर एक capacitor का जो capacitance है वो है 2 microfarad का। ठीक, हमें क्या बताना है, हमें बताना क्या है, हमें बताना equivalent capacitance of the assembly between the point A और B। A और B के बीच में equivalent capacitance क्या होगा ये पूरी assembly का, first thing। दूसरा क्या है कि ये जो ए और बी है इसको 60 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके, 60 वोल्ट की बैटरी से। तो फिर बताना है कि इंडिविजुअल कैपेसिटर, मतलब ये कैपेसिटर के अक्रॉस में, इस कैपेसिटर के, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अपियर होगा वो बताना है। ओके, चलो तो इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। गाइस देखो, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर, ये सीरीज में है। और मैं पूछूं सीरीज में क्यों है, चलिए इसको आप कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग एक्सप्लेन कीजिए सीरीज में क्यों है। और जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए मैं एक हिंट देता हूं, आप कैपेसिटर पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ओके, और आप क्या रखिए, आप देख आप, और इसके साथ एक और हिंट है, ये देखिए ये जो सेक्शन ऑफ प्लेट है इस पर नेट चार्ज जीरो, और ये जो सेक्शन ऑफ प्लेट है, मतलब इस टाइप का जो सेक्शन ऑफ प्लेट है इन पे नेट चार्ज क्या होने वाला है, जीरो। सिमिलरली ये जो सेक्शन ऑफ प्लेट है इस पे नेट चार्ज जीरो रहेगा, ये जो सेक्शन ऑफ प्लेट है इन पे नेट चार्ज जीरो होने वाला है, ये जो सेक्शन ऑफ प्लेट है नेट चार्ज जीरो, ये जो सेक्शन ऑफ प्लेट है नेट चार्ज जीरो। ओके, तो मैंने अभी क्या पूछा कि मैं जो बोल रहा हूं कि ये जो अरेंजमेंट है, ये जो कैपेसिटर, ये जो 3 कैपेसिटर का अरेंजमेंट है ये सीरीज में है। ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस सीरीज में क्यों है, एक्सप्लेन कीजिए कमेंट सेक्शन में। और गाइस, जिनको डाउट है, इनको जिनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पता करेंगे, कैसे करेंगे, तो उनके लिए मैं एक हिंट दे रहा हूं। पहला हिंट क्या है कि आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। दूसरा हिंट कि ये जो कलस्टर ऑफ प्लेट है ना, ये वाले जो आइसोलेटेड प्लेट्स हैं उनमें नेट चार्ज जीरो होने वाला है। ओके, तो चलो, तो गाइस देखो, अगर आपको आइडिया होगा लाइक सीरीज कैप, जो सीरीज में कैपेसिटर होते हैं उनका इक्विवेलेंट क्या हो, कैसे लिखते हैं, तो आप इसको देखते ही क्या बोलोगे, आप इसको देखोगे और बोलोगे भैया 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2 + 1/2। ओके, दिस इज इक्वल टू 3/2। सो व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट इज बेसिकली 2/3 माइक्रोफेराड। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट 2/3 माइक्रोफेराड, इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2/3 माइक्रोफेराड, इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2/माइक्रोफेराड। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा बेसिकली कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये हो गया ए, यहां पर एक कैपेसिटर 2/3 का। ओके, यहां पर हमारा दूसरा कैपेसिटर 2/3 का, यहां पर हमारा थर्ड कैपेसिटर 2/3 कैपेसिटेंस का। इन तीनों को हमने, अब ध्यान से देखो भाई, ये जो तीनों कैपेसिटर जो आ रहे हैं इक्विवेलेंट, ये क्या है, ये पैरेलल में है। पैरेलल में इसलिए है क्योंकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, देखो अगर ये भी पर है इसको मैं जीरो मानू तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है इन दोनों, मतलब हर एक इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों प्लेट के बीच में, भी इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी दोनों प्लेट के। सो ये जो तीनों कैपेसिटर है क्या है, एक दूसरे के, हर एक के पैरेलल में। ओके, और पैरेलल का जो कैपेसिटेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है, 2/3 + 2/3 + 2/3 इंडिविजुअल कैपेसिटर का एडिशन होता है। व्हाट वी गेट बेसिकली 2 माइक्रोफेराड। ओके, क्या आएगा ये 2 माइक्रोफेराड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, व्हाट विल बी, this will be 2 microfarad।
ओके गाइस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 2 माइक्रोफेरा। चलो अब क्या पूछा है, सिर्फ अगला पार्ट क्या है कि सपोज ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 60 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर। अब इंडिविजुअल कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है भैया, चलो आओ बताते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले देखते हैं कि भैया एक चीज बताओ, इस पे चार्ज कितना अपीयर होगा, इसको कैलकुलेट कर लो। ओके, तो देखो इन ये जो पॉइंट है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 60 वोल्ट है। व्हाट कैन आई से 60, मतलब इसका इक्विवेलेंट यही होगा ना, ये 60 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं इसकी जगह पे। तो यहां पर इस जो इक्विवेलेंट इस पर इसके इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 60 वोल्ट, V की वैल्यू 60 हो जाएगी। तो इस ये वाले प्लेट इस पर कितना चार्ज आएगा, इस पर चार्ज आएगा 2/3 × 60। ओके, Q = CV, C हो गया, ये भी हो गया, सो व्हाट इज द चार्ज, Q = 40 वोल्ट। क्या होगा, सॉरी 40 माइक्रो कूलॉम, चार्ज क्या होगा 40 माइक्रो कूलॉम। ओके, तो आप गाइस देखो, मतलब ये जो कैपेसिटर इस पर कितना आएगा चार्ज, 40 माइक्रो कूलॉम। ओके, इस पर कितना चार्ज आएगा, 40 माइक्रो कूलॉम, इस वाले पे 40 माइक्रो कूलॉम। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में है, सीरीज में है, ये 40 माइक्रो कूलॉम। और इस पे क्यों आएगा, क्योंकि ये जो इक्विवेलेंट है इस पे कितना आ रहा है, 40 माइक्रो कूलॉम, तो इस पे भी आ जाएगा 40 माइक्रो कूलॉम, इस पे 40 माइक्रो कूलॉम, इस पे 40 माइक्रो, हर एक पे कितना आ रहा है 40 माइक्रो कूलॉम। ओके, तो देखो हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब Q = क्या होता है, सी भी, सभी का सी क्या है, सेम है, मतलब जो कैपेसिटेंस सभी का सेम है। सो 40 = क्या हो जाएगा, 2 × V, सो व्हाट इज द वी हियर, 40/2, दैट विल बी 20 वोल्ट। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हर एक इंडिविजुअल प्लेट के अलॉन्ग, 20 वोल्ट। ओके, इंडिविजुअल प्लेट के लोग कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 20 वोल्ट। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।